मम्मी हमें यहाँ पे डांट रहे हैं। स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस नए व्लॉग में। सो गाइज अभी बज रहे हैं 12 और हम लोग हो चुके हैं रेडी। 12 बज गए हमें घर से निकलने में ही। और मैं आपको बता दूं कि हम सब जा रहे हैं श्याम बाबा के, तो यहाँ से बहुत दूर पड़ता है, मेरे ससुराल से तो बहुत पास में आधी घंटा लगता है, बट यहाँ से हमें लगने वाले हैं 2.5 या 3 घंटे। तो अभी 12 बज गए, अभी हम लोग वहाँ पर जाएंगे फिर वापस आएंगे, तो आज हमारा पूरा दिन शायद तक लग जाएगा। और आज जन्माष्टमी भी है, तो आप सभी को हैप्पी जन्माष्टमी। और वहाँ पे शायद भीड़ भी हो सकती है, तो हमें टाइम भी लग सकता है, बट मम्मी और का निकलना आप सब समझ ही सकते हो कितना मुश्किल होता है। तो अभी एक बार वापस चले गए अंदर। पापा ले आओ बोतल पानी की, आ जाओ फिर। तो अपन तो चलते हैं, बैठते हैं, मम्मी और आ जाएंगे पीछे। मौसम बहुत अच्छा हो रहा था गाइस, आज हल्की हल्की बारिश हो रही है। वो देखो हमारी चुईया ऑलरेडी बैठ चुकी है, चुहिया और चुहिया के बाबा दोनों। देखो हमारी लड्डू सिंह कितना प्यारा लग रहा है गाइस, कितनी सुंदर लग रही है गाइस। हम लोग अब रवाना होंगे, बस पापा मम्मी और आ जाए। और ये देखो मेरी प्यारी बेटी कितनी सुंदर लग रही है, इधर देखना लड्डू। हाय गाइस करना एक बार। हाय गाइस, गाड़ी चला रही है ये देखो। यार तू छोड़ लड्डू, एक बार पापा को घुमाने दो बेटा, जगह नहीं है ना यहाँ पे इसलिए। बेटा नानी राजा यहाँ बैठ जा। दुर्वा ने गाड़ी घुमा ली है और अब दुर्वा के मामू और नानी आ जाए, सबसे ज्यादा इंतजार कराने वाले लोग। श्याम की श्रद्धा बन जगह वाले श्याम भाई दिखे बने श्याम अपन लिया सबको, तो हम सब जा रहे हैं बस। अभी हमें यहाँ से बहुत टाइम लगेगा। तो गाइस हम लोग घाटवा से निकल गए हैं और आपको पता है ये जो रास्ता है ना खाटू श्याम जी जाने वाला, ये पहले मेरे ससुराल साइड जाएगा दाता, फिर हम लोग दाता से मतलब मेरी ससुराल की साइड ही है खाटू श्याम जी। तो अब दुर्वा देख रही है, पहले गाड़ी चलाने की जिद कर रही थी, कैसे तैसे फोन लेके बैठी है, और मुझे नींद आने लगी। अभी तो टाइम लगेगा, हो गया अभी लंबा सफर है। और पापा रोड पूरी ठेठ खाटू श्याम जी तक, बहुत भयंकर रोड है। आ गया दाता, गाइस दाता आ चुके हैं, वो एक ही है, बाकी एक जयपुर हम लोग दाता से निकल गए हैं। बोलो श्याम बाबा की जय हो, हरे के सहारे की जय, तीन बाण धारी की जय। तो गाइस हम लोग बस थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे, शायद 10-15 मिनट और लग जाएगी। और दुर्वा ने इतना परेशान कर दिया ना आज, पूछो मत, बार बार जाके बोल रही गाड़ी में चला, कैसे तैसे इसको पकड़ के फोन लेके बिठाया, तो उसके फोन के मजे हो गए, उसको फोन लेके ले। और मम्मी की तो हालत हो चुकी है खराब, कि कभी घर से बाहर निकल देता है नहीं, इसलिए ये होता है। अभी देखते हैं बाबा के दर्शन करते हैं, आपको भी कराते हैं। फोन तो गाइस बस पहुंच गए हैं,
दुर्गा बाबा आ जाओ, जाओ दर्शन करो लड्डू, जाओ मामू के साथ, बाबा के पहुंच गए, जाओ श्याम बाबा के। चप्पल मम्मी को फोन ले लो, हाँ चप्पल खोल खोल दे, जाओ तो अंदर है ना, चप्पल हटी छोड़ो ना। मम्मी दुआ पापा और ये सब जा रहे हैं दर्शन करने, मैं क्यों नहीं जा रही हूँ मैं आपको बताऊंगी अभी थोड़ी देर में। चलो बाबा ने मुझे यहाँ तक बुलाया वही बहुत बड़ी बात है। सो गाइज मम्मी पापा दुआ के बाबा एंड भाई साहब दुआ वो सब जा चुके हैं दर्शन करने, और कोई बात नहीं शायद इस बार मेरा दर्शन करना नहीं लिखा हुआ था इसलिए नहीं हो पाया, क्योंकि देखो अपने हाथ में कुछ भी नहीं होता है, सब कुछ भगवान के हाथ में होता है, इनको जब जिसको दर्शन देना होता है ये तब देते हैं, हम चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। बट मैं यहाँ तक आई हूँ, मतलब इस जगह पे आ गई, मेरे लिए वो भी बहुत बड़ी बात है। इस बार काफ़ी लंबा टाइम हो गया हमें आए हुए, और स्पेशली मम्मी पापा को बहुत मन था कि वो खाटू श्याम जी जाए, बट मेरा गांव जो दूर पड़ जाता है भाई, बस उनसे नहीं, वो नहीं आ पाते, मुझे पता है वो बहुत टाइम से कर रहे हैं कि चलेंगे चलेंगे, बट उनसे नहीं आना होता, इसलिए मैंने दुर्गा के बाबा से कहा कि मम्मी पापा को भाई साहब को भी श्याम बाबा के दर्शन करवा देते हैं, क्योंकि मैं सारी चीज़ें व्लॉग में तो आपको नहीं बता सकती हूँ, बट बाबा ने मुझे बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे ज़िंदगी दी है दूसरी, बस इतना ही बोलूँगी, उन्होंने मुझे जीना सिखाया है। तो मेरा मन था कि मेरी मम्मी पापा भी एक बार बाबा के दर्शन ज़रूर करें, तो इसीलिए मम्मी पापा को लेके आए हैं, और मैं आगे नहीं जा सकती, मैं बस यहीं बैठूँगी और यहीं से अपने बाबा को हाथ जोड़ूँगी। मैं आगे इसलिए नहीं जा सकती गाइस क्योंकि लेडीज़ प्रॉब्लम, तो नहीं जाना चाहिए। मैंने पूछा किसी से कि जा सकते या नहीं जा सकते, तो मतलब उन्होंने बताया कि नहीं जाना चाहिए। बाकी मैं इन चीज़ों में बिलीव नहीं करती हूँ, बट क्योंकि सब लोग मानते हैं और भगवान का काम रह गया, तो मतलब कोई पाप वाला काम नहीं करना चाहती, इसलिए मैं नहीं जा सकती। तो मैं यहीं बैठी हूँ गाड़ी में बैठ के, उन सबका वेट करूँगी, फिर देखते हैं, मम्मी पापा से पूछते हैं कि वो पहली बार दर्शन करने जा रहे, तो काश मैं भी होती साथ में, बट कोई बात नहीं, वो आएंगे तो पूछेंगे उनसे कि उनको कैसा लगा। गाइस काफ़ी टाइम से उन सबका वेट कर रही हूँ, बट पापा और अभी तक तो नहीं आए, मुझे आधे घंटे से ज़्यादा हो गए, हालांकि भीड़ नहीं है आज ज़्यादा, कृष्ण जन्माष्टमी, लेकिन फिर भी भीड़ नहीं है, आराम से उनको दर्शन हो जाएंगे, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, जितना अच्छा मुझे खुद को दर्शन करके होता है बाबा का, उतना ही अच्छा लग रहा है कि मम्मी पापा दर्शन करेंगे, तो बहुत अच्छा फील हो रहा है यहाँ बैठे बैठे ही। बट थोड़ा सा काश मैं अंदर जाती, जा पाती, काश मैं दर्शन कर पाती, बट मैं जल्दी आऊँगी बाबा वापस, देख लेना आप मुझे जल्दी बुला लेना कैसे भी करके। जी लोग आ चुके हैं, अब ना रात को क्या क्या ये क्या लेके आया, तो इतना क्यूट सा, इतना क्यूट सा, सुंदर सा, हम दर्शन करके आ गए बाबा, इतना सुंदर यार, ये तो बहुत सुंदर, इसमें तो मेरे श्याम पापा बैठ जाएंगे। हाँ ये तो बहुत सुंदर लाया रे, मैं सोची हूँ कहीं छोटा सो, मैं तो बड़ा ही देख रहा हूँ छोटा छोटा, पहले मटन खा ले शागन, हाँ बार खा ले मागन, एक मेरा है मक्खियां भर चुकी है हमारी गाड़ी में, और एक ही मोटी मक्खी आ चुकी है, बैठ जाओ ना बन बटी नो बिठा ले, तो मम्मी पापा पीछे रह गए, और नरेश साहब कैन को लागे दर्शन कर, बढ़िया एकदम मजा है ना, बढ़िया लग रही है मन में एकदम, नहीं अच्छा दर्शन हो जावे, कत्ती भी भीड़ हो लेकिन दर्शन हो जावे, ये बढ़िया पचबार में मैं जान करे ना, आयो मैसेज के मन बताया क्यों नहीं, मैं करवा दे, तो मैं मम्मी पापा क्यों मैं लाइन हूँ, कौन काल आज,
हाँ तो अभी निकल से डिस्पैच मेरे पास में टाइम तो लग सी बताया दर्शन कर लिए बाबा के। हाँ बहुत मजा आया अच्छा लगा ना तो बट रमकेश्वर गए बट तो एक झलक दिखी खाली एक दर्शन हो जाए अच्छा तुम यहाँ दर्शन आराम मंदिर आ मम्मी क्या लेके आए मतलब ये देख हाथ जोड़ झंडा मम्मी झंडो ले रही चलो 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 सूट इधर आ जा बेटा कमर से बाहर तो आवा कहीं भी खाणो वाणो छोड़ रहा हूँ गाड़ी में कौन खोल गया तो पापा अरे चप्पल को भी चप्पल खोल दो प्रसाद ले लो और मम्मी क्या लग गया दस मिनट बढ़िया लग गया बोला बेटो को भाई मम्मी कता के बैठो सो गाइज मैंने आपको बताया कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि मम्मी पापा को जो है श्याम बाबा के दर्शन होंगे लेकिन व्लॉग अपना अभी ख़त्म नहीं हुआ है व्लॉग काफ़ी लंबा हो गया था इसलिए मैं इस व्लॉग को तो यहीं पे एंड कर रही हूँ लेकिन मैं इसका सेकंड पार्ट ज़रूर लेके आऊँगी हम लोग सिर्फ खाटू श्याम जी ही नहीं और भी कहीं जगह पे गए थे तो वो भी मैं आपको आगे दिखा दूँगी कि मम्मी पापा को हम लोग कहाँ लेके गए थे और बहुत मज़ा आया था बहुत अच्छा लगा था ये हमारी फ़र्स्ट ट्रिप थी पूरी फैमिली तो नहीं कह सकते बस दिनेश नहीं था बाकी हम लोगों की फ़र्स्ट ट्रिप थी बहुत अच्छा लगा बहुत ही इन्जॉय किया हम लोगों ने बहुत मज़ा आया था पूरा ब्लॉग नेक्स्ट व्लॉग में आपको बाकी की चीज़ें देखने को मिल जाएगी चैनल को जाते जाते ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वाला ब्लॉग अपलोड करूँ तो आपको वो देखने को मिल जाए थैंक यू सो मच